दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ इस टाइप की न्यू वायरल ग्लो फोटो लिरिक्स वीडियो एडिटिंग के बारे में। इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेम टू सेम इस टाइप की वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, ईजी सा मेथड है, बस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो इस तरह की एडिटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे VN ऐप का, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पर आपको एक ब्रश वाली वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको भी जाकर आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि हम इसे एडिटिंग के अंदर यूज करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर VN ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं VN ऐप को ओपन कर लेता हूँ। VN ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, यहाँ पर जो कि आपको फोटोज में जाके कुछ इस टाइप की फोटोज को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इन फोटोज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर पिंटरेस्ट ऐप का यूज करना है। यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की फोटोज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको ऊपर सर्च कर देना है एस्थेटिक कपल, ठीक है। एस्थेटिक कपल सर्च कर सकते हो या कपल एस्थेटिक सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं कपल एस्थेटिक सर्च कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ से एस्थेटिक वीडियोज भी यूज कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पर यूज करोगे, यहाँ से डाउनलोड करोगे, वो आपको फुल HD में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप की फोटो अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं इस टाइप की फोटो पे क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो जैसे आप कुछ इस टाइप की फोटो को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके नीचे कुछ इस टाइप की और फोटोज आपको मिल जाएंगी, ओके। तो यहाँ पर आपने जाकर डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नोटपैड के अंदर अपने लिरिक्स लिख लेने हैं कुछ इस टाइप से, ओके। तो यहाँ पर आपको अपने सॉन्ग को सुन के वहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको लिरिक्स लिख लेने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको VN ऐप को ओपन कर लेना है, ओके। तो यहाँ पर मैं VN ऐप को ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपनी 6 फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 6 लिरिक्स हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर मैं नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 9:16 की रेशो को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने म्यूजिक को यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं म्यूजिक पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं माई म्यूजिक पे क्लिक करके, यहाँ पर मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सीधा तेरे पास कुछ इस टाइप से यहाँ पर मैं यूज पे क्लिक करके इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, ओके। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ इस टाइप से इसके अंदर बीट्स ऐड करने हैं। जितने भी हमारे लिरिक्स हैं, उस उतने बीट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। बीट्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे बीट्स पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मतलब कि जो हमारे लिरिक्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से, मतलब कि यहाँ पर सीधा तेरे पास कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिरिक्स हैं, तो उतना ही आपको यहाँ पर बीट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो कि वो सीधा तेरे पास, ठीक है, वो यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आता है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ इस वाले पॉइंट पर जाऊँगा। एंड यहाँ पर मैं नीचे रेड वाले बटन पर क्लिक करके कुछ इस टाइप से पर बीट ऐड कर दूंगा, ओके। बट यहां पर मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, तो यहां पर मैंने पहले से ही ऐड किए हुए हैं, ओके। तो कुछ इस टाइप से आपने भी ऐड कर लेने हैं। एंड उसके बाद आपको यहां पर नीचे डन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, तो यहां पर आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो भी करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारी वीडियोस के ऊपर कुछ इस टाइप से बीट्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रही होंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर बीट्स ऐड हो चुके हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट वाली फोटो के ऊपर क्लिक कर देना कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसकी टाइम ड्यूरेशन को अपने फर्स्ट वाले बीट के नीचे लगा देना है, ओके। एंड यहाँ पर आपको अपनी सेकंड फोटो पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड कुछ इस टाइप से इसकी भी टाइम ड्यूरेशन को अपने बीट्स के हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी फोटोज़ को बीट्स के हिसाब से सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्ट में आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ब्रश वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपने मेरी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की होगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है। एंड यहाँ पर आपको एक फिट वाला बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डार्कन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास जो क्या वो एक इफेक्ट एडिट हो चुका है, इफेक्ट ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे फोटो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको अपनी 2 फिंगर की मदद से कुछ इस टाइप से जूम करके इस फ्रेम के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर ब्रश वाली वीडियो पे क्लिक कर देना है। एंड इसकी टाइम ड्यूरेशन को भी अपने फर्स्ट बीट के हिसाब से इसको सेट कर देना है। एंड उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पर जो क्या वो डुप्लीकेट ले लेना है। यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करके अपने सेकंड बीट के आगे भी लगा देना, बट मेरे VN ऐप के अंदर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपने बीट्स के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगेन से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, वीडियो और फोटो पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन से यहाँ पर मैं जो क्या वो नीचे से स्लाइड करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं नीचे फिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ, डार्कन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं नीचे डन पे क्लिक कर देता हूँ, ओके।
कुछ इस टाइप से यहाँ पर अगेन से यहाँ पर ये मेरी सेकंड फोटो के नीचे ऊपर लग चुका है। ओके तो यहाँ पर मैं नीचे फोटो पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको जूम करके एंड इसके अंदर भी सेट कर देता हूँ। ओके इस टाइप से अपनी आपने ब्रश वाली वीडियोस को एडिट करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर लिरिक्स। लिरिक्स हम खुद से टाइप करेंगे, तो लिरिक्स लिखने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड हीलिंग पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको जो कि आपका जो फर्स्ट लिरिक्स है उसको यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ इस टाइप से नोट पैड के अंदर जाता हूँ एंड कुछ इस टाइप से अपने यहाँ पर जो क्या वो फर्स्ट लिरिक्स को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर कुछ इस टाइप से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अगेन से वी एन ऐप के अंदर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एडिट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैं इसको टाइप कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये आ चुका है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एफ एफ वाला बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फॉन्ट पे क्लिक कर देना है, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर देना है। ओके एंड यहाँ पर आपको एक फॉन्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से आपके पास एक फॉन्ट ऐड हो जाएगा एंड यहाँ से आपने जो कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फॉन्ट पे क्लिक कर देना है, सॉरी यहाँ पर जो कि हमने लिरिक्स लिखना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे साइज पे क्लिक कर देना है। साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है इसका जो क्या वो 30 आपने यहाँ पर साइज रख देना है। ओके एंड यहाँ पर आपको ऊपर डन पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करना है एंड यहाँ पर आपको जो कि पोजिशन पे क्लिक करके इसको आपने 10x पे सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ लगा देना है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको मोशन वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है एंड यहाँ पर इन एनिमेशन के अंदर आपको ग्रेडियंट वाली एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको जो कि इसकी टाइम ड्यूरेशन को फुल कर देना है। ओके इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन में जाना है, यहाँ पर आपको फेड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। ओके सिंपली इतना सा काम है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी कॉपीज लेते जाना है, मतलब इसको डुप्लीकेट क्रिएट करके एंड यहाँ पर आपने अपने नेक्स्ट बीट यहाँ पर आपने लिखते जाना है कुछ इस टाइप से। ओके यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से इसका डुप्लीकेट लेके इसको आगे वाले लेयर इसके ऊपर लगा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना लिरिक्स लिख लेता हूँ। अपने लिरिक्स ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो के स्टार्ट में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकॉन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है। यहाँ पर स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर लाइट पे क्लिक करके नीचे यहाँ पर जो क्या वो इसकी टाइम ड्यूरेशन को आपने 1 सेकंड तक रख लेना है। ओके एंड यहाँ पर आपको जो कि वो नीचे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप जो कि हमारी सारी फोटोज के ऊपर ये वाली जो क्या वो ग्लो वाली एनिमेशन है यहाँ पर ऐड हो चुकी है एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपकी वीडियो कंप्लीटली अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है एंड उसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए आपको ऊपर जो क्या वो एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है एंड इसकी यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हो एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपकी वीडियो यहाँ पर एडिट हो जाएगी एंड इसका फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ।